मुद्दा जरा समझ लो, ठीक है ना। एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। एक वर्ड होता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इन दोनों में अंतर क्या होता है? कई लोग इन दोनों टर्म्स को आपस में एक जैसा समझते हैं। कोई कहता है क्रेडिट नोट इशू कर दो, कोई कहता है अमेंडमेंट कर दो, ठीक है ना। तो इन दोनों में कोई मुझे अंतर बताएगा कि अमेंडमेंट में कब की चीजें की जाती है और कब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दिया जाता है? सर अमेंडमेंट हम तब करते हैं जब हमारा कोई है, मान लो सेल कर रहे हैं, कोई डिफरेंस आ गया उसके अंदर, तो उसको एडजस्ट करने के लिए डेबिट या क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं सर। अब ये कह रहे हैं अमेंडमेंट तब करते हैं फिर क्रेडिट नोट पे आ गए। दोनों में क्लियर डिफरेंस बताओ, दोनों में क्लियर डिफरेंस बताओ कि कब अमेंडमेंट होती है, कब क्रेडिट। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में अगर आपको जीएसटी नहीं चेंज होगा ना, उसमें सिर्फ आपका वैल्यू चेंज होगा। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको तो भी इशू करना रहेगा, अगर आपको जीएसटी चेंज करना है तो। अच्छा, तो अमेंडमेंट में जीएसटी चेंज नहीं होता? मैंने रामलाल को बिल दिया, अब मुझे गलती से श्यामलाल में चढ़ा दिया मैंने, तो अमेंडमेंट नहीं कर सकता? नहीं, अमेंडमेंट में क्या जीएसटी चेंज हो सकता है या नहीं, पहले ये मुझे चैट बॉक्स में बताओ। हो सकता है। 34 में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की कंडीशंस लिखी हुई है, वो चारों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होती है देन डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होता है, अदरवाइज अमेंडमेंट। हाँ, तो पहला आंसर इन्होंने काफ़ी हद तक ठीक बताया। अब लोग बागों को क्या है ना, लोग बागों को क्या है, अपने हिसाब से जीएसटी लो पढ़ते हैं। उनका जब मन करा तब अमेंडमेंट वर्ड बोल दिया, जब मन करा क्रेडिट नोट डेबिट नोट बोल दिया, जबकि ये दोनों चीज़ें पहली बार पूरी पूरी तरीके से अलग अलग है। जब भी मैं अमेंडमेंट की बात करूँगा तो यहाँ पर मैं दो ही सेक्शनों की बात करूँगा, जहां पर मैं बोलूंगा सेक्शन 37(3) और सेक्शन 39(9). जब मैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बात बोलूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा सेक्शन 34, ठीक है ना। अब यहां पर मुद्दा क्या होता है कि कई लोगों को मैंने ये देखा है, वो क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। अब आप मुझे बताना, जो जो मैं केस आपको दूंगा, क्या उस केस में क्रेडिट नोट इशू हो सकता है या नहीं, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि वो यहां पर आएगा या नहीं, ठीक है ना। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं कि इसमें जो मैं केस बताऊंगा उसमें बताना क्रेडिट नोट इशू होगा या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जब तुम बेसिक ही गलत करोगे तो 9 हमेशा गलत करोगे, ठीक है ना। अब जैसे पहला केस है, रविकांत गोयल जी म्यूट करो अपने आप। पहला केस हमारा क्या है, पहला केस हमारा क्या है कि मेरा माल गया लेट सपोज करो फरवरी 2023 में मैंने माल भेजा, माल मेरा चला गया, माल के अंदर जो था वो रामलाल की जगह, ठीक है ना, ई वे बिल गलत बन गया, रामलाल की जगह श्यामलाल का बन गया, या कुछ भी मिस्टेक्स हो गई। अब पार्टी ये कह रही है कि ये जो बिल तुमने चढ़ाया है ये गलत है, ये बिल जो तुमने चढ़ाया है इसमें डिटेल गलत है, तो हम क्या करते हैं, हम उस बिल को नलीफाइल करने के लिए क्रेडिट नोट दे देते हैं और एक नया बिल बना देते हैं। उस बिल को, डिटेल्स को नलीफाई करने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं क्रेडिट नोट बना देते हैं और एक नया बिल दे देते हैं। तो क्या इस केस में क्रेडिट नोट बनना चाहिए कि बिल के ऊपर डिटेल गलत चली गई, क्या इस पे हम बना सकते हैं? आंसर इज नो। यहां पर कोई क्रेडिट नोट नहीं बनेगा। अगर आपकी कोई डिटेल गलत चली गई थी, गीता पाटिल जी म्यूट कर लें, अगर आपकी कोई डिटेल गलत चली गई थी तो आपको उसे अमेंडमेंट करना था, कोई क्रेडिट नोट नहीं था। तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग जो क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं वो एज पर सेक्शन 34 कर ही नहीं रहे। वहां पर उनका सप्लायर कह देता है कि मैं इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे दूसरा बिल दो। उनका जो रिसीवर है वो ये कह देता है मुझे दूसरा बिल दो, तुमने गलत दे दिया। तो तुम क्या करते हो, उसका क्रेडिट नोट बनाते हो, दूसरी डेट में बिल दे देते हो।
उसे डेट समझ नहीं आती, वो कहता भाई साहब मुझे रेट समझ नहीं आया, डेट समझ नहीं आया, मुझे तो इस बिल को ख़त्म करो, नया बिल दो। तो ऐसे केस में लोग बाग क्रेडिट नोट बना दे रहे हैं सेक्शन 34 का वोलेशन करके, जबकि सेक्शन 34 कहता है कि भाई साहब इन इन केस में ही आप क्रेडिट नोट बना सकते हो। तो अब हुआ क्या, इन्होंने टेबल नंबर आई और जे में क्रेडिट नोट की डिटेल सेपरेट मांग ली कि जितने भी क्रेडिट नोट आप बनाओगे सबकी डिटेल आई में आएगी, जितने भी डेबिट नोट बनाओगे जे में आएगी। तो जे वाली डिटेल को तो ये कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई डेबिट नोट से गवर्नमेंट को पैसा आता है, क्रेडिट नोट से सप्लायर की लायबिलिटी कम होती है। तो अब ये क्या करने जा रहे हैं कि जितनी भी फिगर तुम्हारी यहाँ पर क्रेडिट नोट की आएगी, उस फिगर को आपको चेक करना है कि क्या ये फिगर से जो हमने क्रेडिट नोट इशू करे हैं, क्या ये सेक्शन 34 को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर ये सेक्शन 34 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे को एक चिट्ठी आएगी और उस चिट्ठी में लिखा होगा कि ये जो क्रेडिट नोट आपने इशू करे हैं और टेबल 4I में अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करा है, आप ये बताओ ये आपने किस बेस पर इशू करे, क्या इन्होंने सेक्शन 34 की कंडीशन सेटिस्फाई करी, और अगर सेटिस्फाई नहीं करी तो हम इसका रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी आपको नहीं देते, इसका टैक्स जमा करो। और इस केस में आपको लाखों रुपये का टैक्स जमा करना पड़ जाएगा, क्योंकि सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हैं तभी आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं, ठीक है ना।